Hey guys, what's up? Welcome to episode 8 of Thymesia. So last episode में अपने दो बॉस फाइट किए थे, दोनों ही ऑप्शनल बॉस फाइट थे, बट गेम में जितने भी बॉस फाइट थे वो सारे अपन कवर कर रहे, इसलिए वो भी किए थे। तो पिछले एपिसोड में फर्स्ट बॉस फाइट था साउंड ऑफ द एबिस, जो काइंड ऑफ तुम्हारा एक गेमिंग बॉस फाइट था, क्योंकि उसके वीक पॉइंट से तुम्हें वो डिस्ट्रॉय करना था, उसके बाद फिर वो वन हिट खेलता ऐसा था। उसके अलावा जो दूसरा बॉस था वो था म्यूटेटेड ओडुर। तो ओडुर आपको याद होगा, गेम का सबसे फर्स्ट बॉस, एंड अब तक का जो भी अपने चार पांच बॉस किए बॉस फाइट्स उसमें सबसे टफेस्ट भी ओडुर ही था। तो म्यूटेटेड ओडुर मैं बोलूंगा सेकेंड टफेस्ट रहेगा। वैसे देखा जाए तो उतना टफ नहीं था, क्योंकि उसका एक ही फेस था, बाकी तुम्हें उसके थोड़े मूव्स याद करने थे। एक्चुअली हुआ ये कि रिकॉर्डिंग खत्म करने के बाद मैंने उसे और कुछ बार उससे फाइट की, क्योंकि उसे फार्म करने के लिए, ताकि अपन को उसके स्पेशल प्लेग वेपन मिल सके। तो एक बार जब अपन उसे हराते हैं, वो अराउंड 3 क्रिस्टल ड्रॉप करता है। एंड मुझे देखो यहाँ पे 3 चाहिए थे, 3 3 3 3, तो तुम गिन सकते हो मैंने अराउंड 5 से 6 बार उससे लड़ा। एंड बाकी जितने भी बार मैं लड़ा, मैं उसे पहले अटेम्प्ट में हरा पाया। तो उससे मैं बोलूंगा वो भी इतना टफ नहीं है, बस तुम्हें अगर तुम उसका मूव सेट रीड कर पाओ तो आसानी है। वैसे देखा जाए तो गेम के कोई भी बॉस इतना टफ नहीं है, सिर्फ फर्स्ट वाला जो बॉस है वो मुझे हल्का सा टफ लगाता है, क्योंकि मेरी जो पैरी स्किल्स है, पैरी करने की स्किल्स, वो उतनी अच्छी नहीं है। जो फर्स्ट बॉस थे उसके दो फेजेस थे, उसको अपन बस पैरी करके हरा सकते थे। तो उसके बाद अपना रॉयल गार्डन रैप अप हो गया। हाँ, एक साइड मिशन बचा था, ये वाला अंडरग्राउंड लेबोरेटरी सब क्वेस्ट 1। तो ये मैंने रिकॉर्ड भी किया था, बट मैं इसे एज एपिसोड नहीं डाल रहा हूँ। रीजन ये है क्योंकि इसमें कोई भी बॉस नहीं है। इसमें बेसिकली होता ही है, जहाँ पे तुम वो मॉन्स्टर से लड़ते हो, डिफीट द साउंड ऑफ एबिस बॉस से, उसके बाद वहां से तुम्हें वापस स्टार्टिंग पॉइंट तक आना होता है। तो बीच में एक दो स्पेशल एनिमीज होते हैं, एंड स्पेशल एनिमीज यानी वही जो थोड़े से पफ्ड अप होते हैं, एंड बाकी तुम्हारे नॉर्मल एनिमीज थे उधर। तो कुछ भी नया नहीं था, एंड लोकेशन भी पूरा सेम था। तो इसको रिकॉर्ड करके एक और एपिसोड बनाने का कोई पॉइंट नहीं बनता, इसलिए मैंने वो एपिसोड डाला ही नहीं। एंड मैं तो ये रॉयल गार्डन कम्प्लीट हो चुका है, सी ऑफ ट्रीज भी कम्प्लीट हो चुका है, म्यूटेटेड रोड अपने कम्प्लीट कर दिया था। तो ये बचता है हर्मस फोर्ट्रेस, जो गेम का आखिरी हिस्सा, एंड वी आर गोना स्टार्ट दैट। द फोर्ट्रेस इज हर्मस मिलिट्री स्ट्रॉन्गहोल्ड वेयर 2 लीजियंस आर स्टेशन। द फर्स्ट ऑफ दीज आर द नाइट्स ऑफ प्योर ब्लड, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द रन। द सेकंड इज द रॉयल गार्ड, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द रॉयल कैपिटल। ओके, नाइट्स भी है, आई थिंक रॉयल गार्ड थोड़े से और पावरफुल होंगे। लेट्स स्टार्ट हर्मस फोर्ट्रेस। तो अगर तुम्हें सिर्फ गेम कंप्लीट करना है, तो ये बिना ऑप्शनल बॉसेस को भी मारे तुम गेम मारे बिना गेम कंप्लीट कर सकते हैं, एंड गेम उस हिसाब से काफी छोटा है। अगर तुम ऑप्शनल बॉसेस को भी मारोगे तो भी गेम उतना बड़ा नहीं है। आई गेस ऑप्शनल बॉसेस तुम्हारे मे बी सारे ऑप्शनल बॉसेस को मिला के भी शायद 2.5 आवर का कंटेंट बनता होगा एक्स्ट्रा। टोटल गेम तुम 5 से 6 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो, तेज तेज खेल रहे हो तो। अभी मैंने म्यूटेटेड ओडुर का प्लेग वेपन ही लगा के रखा है, यूज करके देखते हैं कैसे रहता है। मेरा तो फिलहाल सबसे फेवरेट प्लेग वेपन वही है जो ग्रेट सॉर्ड है, क्योंकि उसका डैमेज भी अच्छा है, एनिमीज को नॉक बैक भी करता है। सेकंड फेवरेट मेरा डबल ट्विन ब्लेड था, अब ये वाला यूज करके देखते हैं। बाकी कुछ प्लेग वेपन्स थोड़े से सिचुएशनल है, अलग अलग एनिमीज पे काम करते हैं। नीचे सामने एक रास्ता दिख रहा है, उधर कैसे पहुंचेंगे अपन? देख रहा है टिम्स कर दिया था एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर ड्यू टू द रीसेंट एपिडेमिक आउटब्रेक। हनुस किंगडम इज डिक्लेयरिंग अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इफेक्टिव डेट। अरे ये अपन ने फर्स्ट एपिसोड में पढ़ा था, सबसे पहला पोस्टर एक्चुअली यही पढ़ा था अपन ने, पहला नोटिस या वही है। और ये अपन हर्मिस किंगडम एक बड़े से ट्री के ऊपर बना हुआ है, तो आई गेस ये सबसे टॉप साइड पे, क्योंकि अपन ने स्टार्ट बॉटम से किया था, सी ऑफ थीव से, सी ऑफ ट्री से, एंड उसके बाद फिर अपन रॉयल गार्डन आए, एंड ये हर्मिस किंगडम पहुंचा है। हाँ
अरे मिस कर दिया मैंने उसे। अरे सारे एल्बर्ट वाले एनिमीज है क्या? बो एंड एरो वाला शायद। यप, ये रास्ता किधर जा रहा है? ये मुझे लग रहा है उधर जाएगा जो मैं बोल रहा था ना। हाँ यप, उधर ही है। कुछ लूट वूट होगी यहाँ पे। एक सेकेंड, डायरी ऑफ नाइट मदर 01। माई सन हैज टेकन द ब्लेसिंग ऑफ प्योर ब्लड। आई प्रेड विद ऑल माई हार्ट दैट ही मे जॉइन द रॉयल गार्ड सर्विंग एडवर्ड द हीलर्स साइड। ओके, एडवर्ड कौन है? एंड नॉट क्रूसेड इन डिस्टेंट लैंड्स बट द गॉड्स हैव नॉट लिसन टू माई प्रेयर्स। ओके, तो उसके बेटे को क्रूसेड के लिए भेज दिया डिस्टेंस लैंड, यानी कि वही उसके इनम से बात। लेकिन उसको प्योर ब्लड इंजेक्ट किया, इसका मतलब उस पर प्लेग असर नहीं करेगा। तो अभी तक अपन को तीन टाइप के ब्लड पता है। एक है वाइल्ड ब्लड जो बेसिकली अपन ने सी ऑफ ट्रीज में देखा था। फिर जब अपन यहाँ पे पहुंचे रॉयल गार्डन में, तो उधर काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह के ये थे, नोटिस वगैरह, पीस ऑफ पेपर, जिससे अपन को पढ़ने से पता चला वाइल्ड ब्लड एक कैटेगरी है बेसिकली, जो बुरा ब्लड है। उसके बाद प्योर ब्लड है जो नाइट्स वगैरह को इंजेक्ट किया गया है ताकि वो लोग ये ना हो, इफेक्ट ना हो इससे प्लेग से। एंड फिर तीसरा तुम्हारा आता है मिक्स्ड ब्लड, जिसमें प्योर और वाइल्ड ब्लड को एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाता है, एंड वो तुम्हें काइंड ऑफ एक्सेप्शनल पावर देता है। जैसे हैंग्ड क्वीन हो गई, उसमें दोनों का मिक्सचर था, जिस वजह से एक नॉर्मल बैट एक्सपेरिमेंट की वजह से इतनी बड़ी हो गई थी, जो सेकेंड मेन बॉस थी। उसके अलावा म्यूटेटेड ओडुर जो था उसके अंदर भी फ्यूजन वाला ब्लड था, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था खुद पे। अभी तक हेलबर्ड के अलावा कोई भी दूसरा ये आया टीम द्वारा? जा सकता हूँ मैं। गार्लिक, मना ही कर रहा है वहां से। अरे मेरी बड़ी है, योर ब्लड इंजेक्शन रिकॉर्ड्स इन ऑर्डर टू मेंटेन द सोल्जर स्ट्रॉन्ग फिजिक एंड इम्यूनिटी। योर ब्लड इंजेक्शन मस्ट बी कैरीड आउट रेगुलरली बट मेंटेनिंग सच अ लार्ज सप्लाई इज डिफिकल्ट टास्क फॉर द ग्रीन हाउस। अच्छा, मतलब ये वन टाइम इंजेक्शन टाइप का नहीं था, तुम्हें टाइम एंड टाइम लेना पड़ता था। तो फिर उधर मैंने कोई अनएक्सप्लोर्ड एरिया मिस कर दिया, या फिर उधर कुछ आगे रास्ता नहीं होगा जब मैं पीछे
तुम्हें याद है एक बो एंड एरो वाला खड़ा था और मैंने बोला था पहले ये एक्सप्लोर करके आते हैं, ये वही होगा। जी एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, मैं ऐसी अलग अलग ये जो है ना प्लांट्स अपने पास पड़े हैं रेसिपीज ट्राई कर रहा था, तो एक्चुअली गेम में एक रेसिपी टाइप का सेक्शन है एंड तुम पर्टिकुलर टाइप की तीन प्लांट्स को अगर मिक्स करोगे तो यू कैन अपेरेंटली गेट 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसिपीज। मैंने एक जो रेसिपी लगा रखे उसमें रिकवर्स 5 हेल्थ एवरी सेकेंड। एक मैंने रैंडमली ये वाला रेसिपी अनलॉक किया और एक मैंने डिफेंसिव बफ वाला रेसिपी अनलॉक किया जिसमें थोड़ी देर हील करने के बाद तुम्हें थोड़ा सा परसेंटेज डैमेज कम बढ़ता है ऐसा वाला। बाकी अराउंड गेम में 10 अलग टाइप के रेसिपीज है, मैंने इंटरनेट पे चेक किया था, तो दैट कैन बी यूजफुल अगर आपको गेम थोड़ा टफ लगता है, ऐसे बिना रेसिपी के भी हो जाएगा, लेकिन बता दिया मैंने वो। वाले को पहले ये किसने मारा होता है? दो पॉइंट नैरो वाले के उधर परे मेरी, नहीं ये भी नॉर्मल ही है। होगा मुझे लग रहा है उस साइड से खुलेगा। यस वहां पे देखो एक चेक पॉइंट भी है। यस किधर पे वो ये रहा सीडी केमोफ्लाज हो गई थी, मुझे दिखाई नहीं। से वो ऊपर जा सकते हैं, ये रास्ता किधर जा रहा है? वो कुछ नहीं है, आई बेट अपन यहाँ से ऊपर जाएंगे तो मुझे लग रहा है वो एंड एरो वाला मिल जाना चाहिए। ऊपर से उंगली कर रहा था ना बीच बीच में, ये रहा। अटैक किया उधर, नाइस। ओडोर की एबिलिटी तो अच्छा खासा डैमेज करती है वो, सॉरी ओडोर नहीं म्यूटेटेड ओडोर। हेलबर्ट भी काफी बढ़िया है एंड एक्चुअली तुम फर्स्ट जोन कंप्लीट करते करते हेलबर्ट तुम पूरा अपग्रेड कर सकते हो। हेलबर्ट का जो रिचार्ज टाइम है ना वो भी काफी फास्ट है, उसका फुल अपग्रेड करने वाला मूव सेट भी काफी बढ़िया है। मिक्स टुगेदर अ वैरायटी ऑफ हाईली स्टिमुलेटिंग मेडिकल इंग्रेडिएंट्स दैट इंड्यूस परस्पिरेशन, फॉर एग्जांपल गार्लिक बेसिल ब्लैक पेपर सिनेमन मिंट एक्सेट्रा टू क्रिएट अ पोशन दैट वॉर्म्स अप द बॉडी। ये एक रेसिपी हो सकती है, तो गार्लिक बेसिल ब्लैक पेपर सिनेमन मिंट इन पांचों में से किसी तीन को मिक्स करने पे वार्म अप द बॉडी वही रेसिपी का नाम होगा, वो कुछ ना कुछ तुम्हें अलग से बफ देगा। वार्म अप द बॉडी करके मैंने एक रेसिपी देखा था, आई थिंक शायद अटैक बफ है शायद। उन 10 रेसिपी सारे रेसिपीज का नाम है अपना अलग अलग, जहाँ तक मुझे याद है वो अटैक बफ ही है।
अच्छा, ब्लैक पेपर मुझे अभी तक मिला नहीं है। आई प्रेज्यूम कि वो ये लोकेशन का इंग्रेडिएंट होगा, बाकी सारी चीज़ें शायद है अपने पास। लोकेशन पे ज्यादा चेक पॉइंट्स है क्या? क्योंकि ऑलरेडी 15 मिनट का अपन दो चेक पॉइंट हिट कर चुके हैं। कोई एनिमी नहीं है। ओके, ये स्पेशल एनिमी है, दैट्स फॉर श्योर। ट्विन ब्लेड वाला था, की टू द कैथेड्रल पाथ। आई गेस वो सामने वाले गेट का ही की होगा और क्या। देखा की लग रहा है, सही रास्ता उस तरफ जा रहा था। कुछ नहीं यहाँ पे, बस एक नोटिस है। ट्रूप सिलेक्शन सर, मेनी द इवेंट विल टेक प्लेस इन द पॉटर्स स्क्वायर। Only uninfected young subjects will be accepted. The injection process will be undertaken by the researcher designated by the greenhouse. Those who experience discomfort during the injection process will be taken back to the greenhouse by the researchers for further examination and care. After the injection, the king's guard, the royal guard, and the king knights of the pure blood will make selection according to the procedure. Okay. After the injection, king's guard, royal guard, and knights of pure blood will make selections. Okay. King's guard. किंग्स गार्ड बोल, ये नाइट्स ऑफ प्योर ब्लड एंड रॉयल नाइट्स, वो दोनों के बारे में अपन ने रीड किया था ना हम इस किंगडम के डिस्क्रिप्शन में। एक सेकेंड, जाना किधर अब यहाँ से? ये अलग अलग रास्ते। ओ भाई, यू नीड कौन सा की है? की टू द टॉप ऑफ द फोर्ट्रेस फॉर। ओके, सो नॉट गोइंग दैट फार, ये काफी ऊपर जा रहा है। अलग से इतना ऐसा सेक्शन क्यों बना के रखा? अब एनिमी घूम रहा है बस। अबे दो बंदे, बो एंड एरो भी अच्छा है। तुम अगर अपग्रेड करोगे उसे, डबल अपग्रेड करने के बाद यू कैन शूट टू टाइम्स, तो काइंड ऑफ एक अच्छा खासा रेंज्ड ऑप्शन आ जाता है तुम्हारे पास।
यार ये रास्ता तो आगे बढ़ ही जा रहा है, मैं भी टोटली कंफ्यूज हूँ कि कौन सा पहले एक्सप्लोर करूँ। ये वाला तो डेफिनेटली ऐसे लग रहा है ये आगे कहीं पे जा रहा है। लेफ्ट साइड में एक स्टेयर्स है एंड वहाँ पे एक क्लोज्ड डोर है जिसके लिए अपन को की चाहिए। यहाँ ये वाली सीढ़ियाँ किधर जाती है देखते हैं। ओके तो ये अपन को एमरल्ड के पास लेके आती है। यस एमरल्ड को वो कोर्स दिखा देते हैं। देयर इज समथिंग टू आस्क मी। यस ऑफ कोर्स। हर में सांसर्स रिटर्न नोटबुक। दिस इज द रिसर्च दैट किंग रिक्वेस्टेड आई कैरी आउट। द गोल इज टू स्प्रेड एंड अप द डेसिमिनेशन ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ प्योर ब्लड। ओके since the research is top secret, only SME and I know the details and relevant technology. Hermes answer is complete. The actual effects will be determined by what formula is placed inside. In order to ensure that nothing will occur which cannot be reversed, we are still researching the formula. Okay. So यही SME ने भी बताया था। तो ये मुझे लगता है ये location अपना उधर है, जो अपना hub है ना, central hub, philosopher's peak है कि philosopher's कुछ something है, जो भी है फिलोसोफर्स हिल है शायद। हाँ तो उधर अपन को सही फॉर्मूला मिक्स करके बनाना है। अभी फॉर्मूला क्या मिक्स करके बनाना है वो नहीं पता। आई थिंक जहाँ तक है ये कोर्स होने चाहिए हर्मस फॉर्मूला। अभी इसमें से मुझे लग रहा है ऐसे अपन रेसिपी मिक्स करते हैं ना, दो या तीन तीन रेसिपी मिक्स करते हैं एक पर्टिकुलर चीज बनाने के लिए, अपने हीलिंग पोशन के लिए। वैसे ही मुझे लग रहा है ये कोर्स को अपन को एक पर्टिकुलर टाइप से मिक्स करना पड़ेगा ताकि अपन को ये मिले हर्मस फॉर्मूला या हर्मस आंसर। Odoo's understanding of alchemy is absolutely exceptional, though some may say that there's a fine line between genius and insanity, but I believe he merely sees the truth, the reality that others cannot comprehend. Looks like I have come to the right place. Okay, और क्या है? Almost from south of the abyss. Well, who would have thought that such interesting results were taking place within the garden? Researchers fall in love with their experiments, forgetting that most unexpected results spring from nature herself. What a shame I was unable to see nature's reaction to the alchemy with my own eyes. तो ये जो साउंड ऑफ द अबीस था वो कोई रिसर्च नहीं था, वो आई थिंक जो रॉयल गार्डन के नीचे था, तो जो भी ये लोग रिसर्च कर रहे, जो भी वेस्ट था ना उससे वो क्रिएचर इतना स्ट्रांग हो रहा था। और कौन से अपने पास? The concept behind Hermes answer is simple. Use the power of crystals to increase the formula's effectiveness. This will be the final answer to the kingdom struggle and will change everything. Corvus, you must be careful with your decision. Okay. या क्रिस्टल कोर वही चीज को बोल रहे हैं जो अपन को बॉसेस को मारने से मिल रहा है। सीढ़ियाँ किधर जा रही है ना वो भी देख लेते हैं। ये किधर पहुंचे अपन? किधर है पे? उसे लूट के लिए आएगी इधर घूम के। सिविल सर्वेंट नोटबुक वन। सिंस माई क्लरिकल ड्यूटीज बिगैन आई हैव नेवर सीन द कैप्टन सो कंसर्न। आई नो दैट अर्ड बींग बोथ द कैप्टन ऑफ द रॉयल गार्ड एंड द फ्यूचर नाइट मस्ट बेयर एंड unconceivable burden. Recently, the number of infected and monsters have been gradually increased till the king's birthday celebration must continue as planned. And to that, what happened in the Sea of Fools, and it's no wonder the captain is so distressed. Okay, वुड है इनके कैप्टन का नाम, किंग के बर्थडे के बारे में आई थिंक पूरा नहीं है ऑब्वियसली। और जो सी ऑफ थी इसमें जो इंसिडेंट्स हुए, सी ऑफ थी में कौन से इंसिडेंट की बात चल रही है? या बस ये वो ही रफ पेपर के लिए अपन इतना घूम के इधर। ओह वो ये अपन उधर पहुंच गए जहाँ पे अपने वो आर्चर एंड वो स्पीयर वाले को मारा था। ठीक है चलो।
मेरा वैसे भी फुल्ली अपग्रेडेड है, फालतू की कुछ चीजें फुल्ली अपग्रेडेड है, जैसे शील्ड हो गया, ग्रेट सॉर्ड हो गया, ट्विन ब्लेड्स हो गया, साइथ हो गया, एल्बर्ड हो गया, तो इन सब के क्रिस्टल्स ऐसे बेकार में जा रहे हैं। इनको कोई सेल करने का तरीका देना चाहिए था कि तुम सेल करके कुछ और खरीद सकते हो वगैरह। फिर लग रहा है ये जो भी पाथ अपन फॉलो कर रहे हैं आगे जाके अपन को की मिलेंगी जो फिर अपन उधर नीचे यूज कर सकते हैं। डायरी ऑफ द नाइट मदर टू, अच्छा ये वो डायरी जिसका पहला अपन ने पढ़ा था ना कि वो प्रे कर रही थी कि उसके बेटे को किंगडम के अंदर ही कहीं पे कुछ काम मिले लेकिन उसे बाहर भेज दिया वगैरह सर। ईच टाइम ही रिटर्न्स फ्रॉम द एक्सपेडिशन ही ब्रिंग्स समथिंग बैक एज अ सोवनियर, मोस्ट पीपल ब्रिंग बैक स्टोन्स और डील्स बट ही ऑलवेज पिक्स अप स्नैप्ड एरोस ब्रोकन शील्ड फ्रॉम द बैटलफील्ड। वंस ही टोल्ड मी इफ द कॉर्प्स वेरंट ऑल बर्न ही शुड कट पीस of a monster's body to bring along. Okay, इससे तो ये तो पता चला कि उसका बेटा वापस तो आ रहा था। हाँ तो फिर वहां पे जो एक की चाहिए करके बताया था, मे बी वो साइड मिशन वाला एरिया भी हो सकता है, मैंने काफी बार देखा है बाकी दोनों लोकेशंस पे भी। लॉल That's a boss fight. I think वो ग्रे आर्मर है जो मैं डेमो, ये वही है बड़ा सा सॉर्ड दिख रहा है क्या, मैंने दूसरे इसमें देखा था क्या कहते हैं दूसरे लोकेशंस पे, रॉयल गार्डन एंड सी ऑफ ट्रीज में, कि क्या बोलते हैं, हाँ कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो लॉक्ड होते हैं एंड जब तुम साइड मिशन करते हो तब वो अनलॉक होते हैं, जैसे अपन जो एलिवेटर वाला एरिया वगैरह एक्सप्लोर कर रहे थे रॉयल गार्डन के साइड मिशन करते हो, अंडरग्राउंड लेबोरेटरी की ढूंढ रहे थे। ओके सो मुझे नहीं पता ओडोर का मुझे लेके जाना चाहिए क्या इसमें स्पेशल, आई थिंक आई विल कीप द ग्रेट सॉर्ड क्योंकि सीन है ना ओडोर का जो ये अटैक है वो स्टन नहीं करता है एनिमीज को, लेकिन जो ग्रेट सॉर्ड है वो हल्का सा स्टन करता है विच कैन बी यूजफुल टू अस, बट ये जो बंदा इतना बड़ा है आई वंडर कि ये ग्रेट सॉर्ड भी उसको स्टन करेगा कि नहीं। पोशन Let's go. तो देखिए एक एनिम था गोब्लिन स्लेयर करके, उसके कैरेक्टर की याद आती है ऐसे ही डिजाइन है ऑलमोस्ट, बस उसके पास इतना बड़ा सॉर्ड नहीं था। ओह वी गॉट टू पैरीज, सेकंड फेज है उसके एचपी के बाजू में दो डॉट दिख रहे हैं, उसका अलग दो फेज है उसका। Thank you.
इसके अटैक्स पैरी करना काफी आसान है। नहीं, दूर दूर दूर। वंडरिंग की और एक कुछ फेस तो नहीं निकलेगा इसका, क्योंकि डेमो में ये टफ लग रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है ओडूर जो फर्स्ट वाला बॉस है उसे लड़ने का, इसके सारे अटैक में पैरी कर पा रहा था, ऐसा कोई भी अटैक नहीं था जो मैं समझ नहीं पा रहा था कि अभी आने आने करके। और दिस इज ऑल दैट हैज हैपेंड। एक सेकेंड, तो वो वाला दरवाजा जाते कि साइड मिशन में अनलॉक होगा। दिस इज एवरीथिंग आई कैन रिमेम्बर। Let's go back. देखते हैं इसका सॉर्ड तो ब्रेड सॉर्ड से भी ज्यादा बड़ा है। बट तुमने नोटिस किया जब मैं इसके स्पेशल अटैक से इसको अटैक किया था तो वो हल्का सा स्टन हो नहीं रहा था, बट ये ग्रेट सॉर्ड पता नहीं फॉर सम रीजन ये सामने वाले अभी तक जितने भी एनिमीज किए या बॉस भी किए भले थोड़े से एक स्प्लिट सेकेंड के लिए लेकिन उन्हें स्टन करता है। जैसे म्यूटेटेड डोडोर को अच्छा खासा स्टन कर रहा था, मैं उससे आराम से एक प्रेडेटर क्लॉ मार पा रहा था, इसको कम देर के लिए स्टन कर रहा था लेकिन स्टिल इसको इंटरप्ट कर रहा था। तुमने ध्यान दिया Because you have worked so hard, these memories should be sufficient. We have enough information to figure out which formula you used in Hermes' answer. Would you like to delve into your final memory? Okay, अच्छा मैंने बता दिया ना कि optional bosses and side missions सारे करने की जरूरत नहीं है, तो इसको हराने के बाद kind of तुम्हारा game complete हो जाता है। You can go for the final zone, जिसके बाद मतलब kind of point of no return है। No, it feels like memory is not yet completed. तो अभी जो बच्चे में साइड मिशन है वो अपन एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद अपन ये एक्चुअली ये जो डोर है उसके उस पार होने वाला है फाइनल जो भी गेम का एंडिंग हिस्सा है। साइड मिशन खुला तो होगा पक्का सर। ओशन ऑफ मेमोरीज, ये कौन सा लोकेशन है? Two forces exist in Corvus' mind, constantly pulling in opposing direction. The past, the present, truth and falsehood. These powers seriously affect his memories, and so Corvus must dig deep within his mind and make a decision. Only then he can restore his shattered memories. Defeat Corvus? अच्छा ये मुझे लग रहा है अपने memory के अंदर ही शायद यही वो final zone होगा जो अभी पूछा था ना उधर जाना है कि नहीं। ओशन ऑफ मेमोरीज से जाने से पहले ये लो डिफीट वुड वुड ये उनकी कैप्टन है तो फोर्ट्रेस इज हर्मेस विल टच ही तो सेम चीज लिखी हुई है। एंड ये क्या है? फाइंड द एविडेंस ऑफ द कूप। एविडेंस ऑफ द कूप ये क्या है? हां एक काम करते हैं, एपिसोड अपन यहीं पर रैप अप करते हैं। अगले एपिसोड में पहले अपन ये डिफीट टूड वाला साइड मिशन करेंगे, ऑब्वियसली बॉस फाइट रहेगा उसमें, उसके बाद ये अगला सब क्वेस्ट अगर जल्दी हो जाते पहला वाला सब क्वेस्ट तो अगला वाला भी करेंगे। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। आप ज्यादा एपिसोड बचे नहीं है, मुझे लग रहा है 2 से 3 एपिसोड में सीरीज रैप अप होनी चाहिए, मैक्सिमम 4 एपिसोड। सो या बने रहिए सीरीज के साथ। टिल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।